अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। देख रहे हैं यहाँ पत्थर और तरह तरह के पत्थर हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछला व्लॉग मैंने डाला था रमज़ान का, यकीनन आपने देखा होगा। सो इस दफ़ा आज है माशाल्लाह ईद, तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो गाइस, आपको ये बात बताते चलें कि अभी हमने रमज़ान में एक व्लॉग डाला था और उसके बाद कोई व्लॉग नहीं आया, उसकी एक वजह। तो आपको मैं वजह बताऊंगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। व्लॉग बना रहे थे, व्लॉग बनाने के बाद आते हुए पता है क्या हुआ, आते हुए हमारा हो गया एक्सीडेंट। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो टांग पे बहुत ज़ोर की लगी है और तकरीबन 8 दिन हो गए ये मेरे साथ सीन हुआ है, इस वजह से मैं व्लॉग वगैरह डाल नहीं रहा था। तो आज ईद थी, मैंने बोला चलो सही है, बाहर निकलते हैं और आपको अपडेट देते हैं। आज हम जा रहे हैं सेवन जा रहे हैं सिन साइड। हमने बोला सारी ईद तो ऐसे ही सोते हुए गुजरती है, हमने बोला आज कहीं ना कहीं आज बाहर निकलेंगे। सो गाइस, ट्रेन आ चुकी है, आज हम जा रहे हैं ट्रेन से, आपको ट्रेन दिखाते हैं। ये जा रही ट्रेन। सो गाइस, ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन में बैठेंगे और फिर मिलते हैं 7 में और आपको सारी अपडेट देते रहेंगे कि पल पल की, ठीक है। तो ट्रेन हो जाएगी मिस, इस वजह से हम निकलते हैं ट्रेन में। सो गाइस, वेलकम टू 7 शरीफ। 7 शरीफ हम पहुंच गए हैं और आपको कुछ नज़ारे दिखाएं। वहाँ का मैं लोकेशन आपको नहीं दिखा सकता था ट्रेन वगैरह की, ज़रा वहाँ रश भी था और बहुत अंधेरा हो रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी लोकेशन भी सही नहीं आ रही थी और अंधेरा बहुत हो रहा था, इसकी वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो इस वजह से यहाँ थोड़ी रोशनी है, तो ये देखें आप, ये आई लव 7। अभी तकरीबन हम वहाँ पर बैठे थे 6 बजे, लगभग हमारी 6 बजे की ट्रेन थी और वहाँ पर कितनी देर में पहुँचे मैं दिखाऊँगा। ओए होए, 6 बजे बैठे थे तो 7 घंटे हो गए हमें यहाँ पर, 7 घंटे का सफ़र और रेगुलर बैठे हुए सफ़र किया हमने। किस तरीके से गुजरा वो मुझसे पूछो। अभी बहुत थके हैं, अभी हम खाएंगे खाना और फिर आपको मिलते हैं हम सुबह, और थोड़ा आराम करना है, बहुत थक गए, ज़रा लेटेंगे। अभी होटल भी बुक करना है और वहाँ पर लेटेंगे थोड़ा और फिर मिलते हैं सुबह। 2000 years later. तो गाइस, सोकर उठ गए हैं फाइनली और थोड़ी बहुत नींद पूरी हो गई है कि बस सफ़र की थकान उतारनी थी हमने तो। और फिर रात में सीन ये हुआ कि हमारे को कोई घर नहीं मिल रहा, सारे फ्लैट बुक थे, सारी जगहें बुक थी। वो बड़ी मेहनत मुशक्कर करके एक ये मज़ार के करीब एक होटल मिला है, जो आप पीछे देख रहे होंगे मज़ार, ये देखो मज़ार देख रहे हैं आप, नहीं बस इसी के करीब एक छोटा सा हमारे को घर मिल गया जिस हम वहाँ पर रह रहे हैं अब। बस हमें रात गुजारनी थी, कुछ घंटे थे तो थकान हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ी सी थकान उतारनी थी हमें, तो इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा स्टे कर लिया। और रात में सीन ये हुआ कि कहीं भी हट नहीं मिल रहे थे, कहीं भी हट नहीं मिल रहे, और सारी जगहें बिल्कुल फुल थी क्योंकि ईद का सीज़न चल रहा है और जगहें बिल्कुल फुल थी, तो इस वजह से हमारे को कोई जगह नहीं मिली। तो रात को हमने यहाँ पर स्टे किया था। जगह देख भी लगी है बहुत ज़ोरों की भूख और हम नाश्ता करेंगे फिर हम आपको घुमाते हैं 7 की मार्केट। तो गाइस, ये हमारे मार्केट के अंदर, ये 7 की मार्केट कहलाती है और अभी एक शॉप पे चलते हैं। हाँ,
सर इसकी क्या प्राइस है? जी 1200, 1600, 2200। ये रोलेक्स की है? रोलेक्स की क्या प्राइस है? 1200 रोलेक्स के। इसमें जो ये पतली चेन है ना, जी जी, ये 1200 की है। जैसे थोड़ी मोटी चेन है ये 1600 की है, और ये वाली जो है ना, तो इसकी क्या प्राइस है? मुख्तलिफ है इसमें, 400, 600, 800। अच्छा, तो गाइस ये है रिंग्स की दुकान, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पत्थर और तरह तरह के पत्थर हैं। भाई शॉप की नाम है बाबा फ्राइकिंग के नाम से इनकी शॉप है। ये S7 की मेन मार्केट में स्टार्टिंग में ही आ पाएंगे। देखते हैं इनके पास सारी वैरायटी है। गाइस अब यहाँ एक फ्रूट पसंद आ रहे हैं, ज़रा देख लेते हैं घर वालों के लिए। बलोची सूट के लाता है। प्राइस इसके 2500 से। फाइनली हमने सूट डन कर लिया है। दुकान पर सूट पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर फाइनली कर लिया है डन। यहाँ पर आए, ये थोड़ी बड़ी शॉप लग रही है। वहाँ से थोड़ा चीज़ भाई ने बोला था अच्छी नहीं है, हम दूसरी दुकान पे ले जाते हैं। इस दुकान से 1 किलो पकड़ लिया। शुक्रिया। ये भेड़िए की खा ले, और ये पता नहीं इससे क्या कुछ दवाई ववाई बनती है, मुझे नहीं पता। ये कुछ अपनी जबान में बता रहे हैं, इनको ही समझ में आई। इनसे पूछेंगे भाई क्या है आपको बता रहे, जातिवाद नहीं होगा, नहीं होगी, इसका तावीज़ बना के दूंगा, जादू वगैरह तावीज़ वगैरह। चलो ये भी कारोबार है, पैसे कमाने का जरिया। कशकोल, वहाँ से कशकोल देख रहे हो, ये मास्क तुम्हारे लिए, इसको पे इसको लेके ना तुम जुम्मे की नमाज में ना मस्जिद के बाहर बैठ जाना। कशकोल तुम्हारे, गीदड़ सिंगी इसको कहते हैं, कि मुझे भी नहीं पता इतना खास, लेकिन होती है, पता नहीं ओरिजिनल क्या बोलते हैं इसको, वो ये चलती है। चलाइए इसको एक दफा, अभी चलेगी नहीं। फिर कब चलती है? इसकी टाइमिंग है, इसकी चार्जिंग खत्म हो गई क्या? चलती है यार। और ये पता है क्या, ये खुले आम जो है ना, ये बिकती भी नहीं है क्या? हाँ। मेहनत मुशक्कत से निकालनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी मिल जाती, और ये दुकान पे लगा के बैठा हुआ। याली दिखाओ, याली जो हाथ में आपके। गाइस कमेंट में बताओ कैसी लग रही है, ये ले रहा हूँ मैं, मेरे को पसंद आ गई है। क्यों सही लगाओ, दे दो यार, ये लो पुड़िया में पैक करके दिए इसने यार। क्या बोले, चलो खैर, बहुत देर हो गई मार्केट में यार। तो गाइस मार्केट से चलते हुए हम यहाँ पर आए हैं एक ढाबे पे खाना खाने, और खाने का मेन्यू देखो आप। आपको
क्या यहाँ पर ढाबे पे बैठकर अब हम खाना खाएंगे। तो सेवन में इस टाइम शदीद गर्मी हो रही है, आपको दिखाते हैं क्या सेंटीग्रेड चल रहा है। अभी तो नज़र नहीं आ रहा होगा, एक मिनट, तो अब नज़र आ रहा है इस टाइम क्या सेंटीग्रेड चल रहा है हमारे पास। ओ 34 सेंटीग्रेड चल रहा है, शदीद किस्म की धूप हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। और यहाँ के कहने वाले ये कहते हैं कि यहाँ पर गर्मी पड़ने की एक ख़ास वजह है कि यहाँ पर एक उल्टी बस्ती है कोई, तो यहाँ उल्टी बस्ती कहलाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर शदीद गर्मी होती है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे उल्टी बस्ती, तो उल्टी बस्ती में है क्या और गर्मी क्यों पड़ती है, तो अभी हमारी सवारी है ये, हम इसमें जाएंगे, सवारी देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम उल्टी बस्ती में। इसमें सफ़र कर रहे हैं भाई, हम चिंची बोलते हैं उसको, ये देख रहे हो चिंची। तो अभी कहाँ जा रहे हो? जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है, तो भाई साहब बता रहे हैं। भाई गर्मी कितनी होती है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसकी वजह से हमने कैंसिल किया और हम जाएंगे शाम में। तो अभी हम जा रहे हैं लाल बाग, लाल बाग एक सेवन में एक जगह है, वहाँ कह रहे हैं थोड़ा सा ठंडा माहौल होगा, तो जाकर चेक करते हैं, आपको भी दिखाएंगे कि कैसा माहौल होता है। तो गाइस फाइनली हम यहाँ लाल बाग पहुँच गए और यहाँ पर आपको हम यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं, और वहाँ चेक कर रहे हैं आप, धमाल लगा हुआ। चले भाई, गाइस यहाँ चल रहा है धमाल और आपको हम धमाल भी दिखाएंगे, आपको हम यहाँ धमाल दिखाएंगे। ये सर इनका कोई कल्चर का कल्चर डांस है, बीच में ढोल लगाया हुआ है इन्होंने, बीच में ढोल है उनके, जिसे आप देख रहे हैं नाच रहे हैं। करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वाह भाई वाह, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है चिट्टा चोला। तो गाइस मेरा अभी मेरे अंदर की ना औरत जाग रही है, तो हम भी थोड़ा डांस कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। इनका कोई अपना स्टेप ही है, अगर हमारे को तो कोई धमाल आता है, इनका कोई अपना स्टेप। गाइस ये हम आ गए हैं उल्टी बस्ती और आप यहाँ देख लो, अभी हम यहाँ एक ये ऊंचाई है, पहाड़ी पहाड़े चारों तरफ आप देख रहे होंगे, पैरों की लग गई वाट और गर्मी इतनी शदीद की हो रही है ना। और कुछ ढाबे वगैरह नज़र आए, हाँ उल्टी बस्ती का नाम सुन के तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बस्ती पूरी उल्टी होगी, लेकिन यहाँ सीधी सीधी नज़र आ रही है सारी, उल्टी तो कोई नज़र नहीं आ रही, क्या पता उल्टी बस्ती हो, इन्होंने सीधी कर दी खुद ही। है क्या ये? ये क्या ये बना रहे? छह गिलास है ना बाबा? नहीं ये खशखश है शायद, है ना, ये खशखश खिलाती है, मैं करूँ वहाँ से बना ऐसी करते हैं ये। अब यहीं पर हम ऊंची पहाड़ी पे चढ़े हैं, अभी आपको दिखाते हैं कितनी हाइट है इस पहाड़ी की, सब बुरा हाल हो गया है भाई साहब।
वो नहर आपको नज़र आ रही होगी दूर से। हाँ भाई, ये उल्टी बस्ती थी पहले, खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ये। हाँ, ये मुझे वॉशरूम का गेट लग रहा है उल्टी बस्ती का, लेकिन इसके ऊपर अब मिट्टी आ गई है तो ये वॉशरूम दब गया। हाँ, क्या कहते हो शाहजेब भाई, ये वॉशरूम नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। डब्ल्यू सी कहाँ है फिर इसका? डब्ल्यू सी पहले ज़माने में कमोट हुआ करते थे, डब्ल्यू सी कहाँ? अच्छा, यहाँ से गिरने से इंसान बच जाएगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वा लेंगे, कोई मसला नहीं। टूटे हुए पे हमने जूते पहन लिए। ये होती है मेहनत और मुशक्कत, टूटे पैर पे हमने जूते पहन लिए। यार ये समझ नहीं आ रहा, इतनी पहाड़ी के ऊपर ये हरा कलर का दरख्त क्या कर रहे हैं यहाँ, इसको पानी कौन देता है? तो गाइस, अब जा रहे हैं हम मज़ार की तरफ और मज़ार में आपको ज़्यारत कराएंगे। और मैं नंगे पैर, देखो पट्टी वगैरह भी सब उतार दी। अभी ये मज़ार जा रहे हैं, लाल शबाज कलंदर। तो गाइस, ये एंटर हो गए हम लाल शबाज कलंदर के मज़ार, ये गेट है, तो हम अंदर ही जा रहे हैं। वह भाई, क्या कर रहे हो? हमने पार कर ली थे ये लाल शबाज कलंदर का मदार, और इसे आप देख रहे हैं। अभी आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे हम अंदर का एंटर होकर। यहाँ आते ही नियाज मिल गए हैं। गाइस, जैसे आप देख रहे हैं हम लाल शबाज कलंदर के मज़ार में हैं एंटर इस टाइम, और अभी जो आपको वीडियो दिखाई थी वो लाल शबाज कलंदर के मज़ार की थी, और ये तो मुरीद वगैरह थे उनकी थी। तो वापसी अब चलते हैं अंदर की साइड, ताकि जो हमारे साथी जो हमारे साथ आएँ वो कहीं आगे पीछे ना हो जाए। यहाँ का मंज़र लाल शबाज कलंदर का माशाल्लाह, रश कितना है आप रश देखें। स्टैम्प
ईद का दूसरा दिन है ये, मैं पहले दिन से आया हूँ, ईद के दिन ईद का दूसरा दिन है और अभी भी इस टाइम भी बहुत रश है मॉल का, बहुत रश है। तो गाइस वीडियो करते हैं यहाँ पर इख्तिताम और बहुत थक चुके हैं, आगे की वीडियो नहीं बना पाएंगे, पहाड़ चढ़ चढ़ के थक गए हैं, वीडियो बना बना के थक गए हैं। और अब हमारी ट्रेन है रात 2:30 बजे की, तो हमने ट्रेन की टिकट करवा दी है कैंसिल और अब हम जाएंगे डाइवो पे, क्योंकि ट्रेन ने हमारे को पहुँचाया था 7 घंटे के। डाइवो वाला कहता है कि हम तुम्हारे को 4 घंटे में कराची फेंक देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ठोक दो यार, और कमेंट में बता दो कि अगली वीडियो आपको कहाँ की चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके कमेंट को फॉलो करेंगे और अगला व्लॉग आपका वहीं बनाएंगे। सो कर दो कमेंट, कर दो और बहुत सारा प्यार, लव यू एंड आई लव यू। Give it to me like